देखिए दोस्तों, यहाँ पे करेला का भुजिया चढ़ा दिया और दाल घाट के वहाँ पे रख दिया, देख सकते हैं। और देखिए दोस्तों, अभी जो दूध ऑन के रख दिया यहाँ पे और चावल भी चढ़ा दिए हैं, अब पानी गर्म हो रहे हैं, तब तक अदहन हो गया तो चावल। तो आपने भाषा थोड़ी समझते हैं, तब देखिए आप जान गए। अभी जल गया नाग, आप आइए से ले जाए। दोस्तों कैसे हैं आप लोग, आशा करते हैं कि अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों देखिए, अभी आज सुबह से तो नहीं कुछ बनाए थे, आप लोग को तो बतावे किए हैं इधर की आगानी में जो है ना, देखिए वहाँ पे दिखाते हैं भी आप लोग। पानी जो मतलब बारिश जो हुए हैं बहुत ज़्यादा कजले उजली हो गए हैं आंगन में, देख सकते हैं यहाँ पे कितना अभी तक भी पानी लगा हुआ है। चलिए दोस्तों आ रहे थे, यानी कि चौका लगा लिए, बर्तन भी बर्तन तो रात ही धोए थे और पानी गर्म करके पापा को दे दिया और आ रहे थे चाय बनाने के लिए, फिसल गए दोस्तों, बहुत ज़्यादा कमर में चोट लग गया और सो गए थे इसीलिए, और जो है पहले से ही पेट दर्द कर रहे थे, तो इसीलिए आज हम खाना नहीं बनाए। और अभी 10 बज रहे हैं, तो अभी दीदी ही आज दिए थे खाना, माने कि पापा को, और ये तो सत्तू ही पिए थोड़ा सा, और पापा को मम्मी तो नहीं खाई, मम्मी को खूब उठाई जिद किए लेकिन मम्मी नहीं खाई है खाना आज, और नाश्ता भी नहीं किया, सिर्फ थोड़ा सा चाय पिए, सुबह में बना के दी थी चाय, वो भी दीदी ही बनाई थी चाय। आज सुबह से हम कुछ भी नहीं किए, सिर्फ चौका सब लगा के जो गए वही ठो, और कुछ भी नहीं किए इसके सिवा। और अभी आए हैं, अब 10 बज गए हैं अभी, तो अब क्या करेंगे दोस्तों, अब आए हैं अभी खाना बनाने के लिए, और खाना में चावल दाल यही सब बनाएंगे। दोस्तों दोस्तों आप लोग बने रहिएगा लास्ट तक वीडियो में। और अभी देखिए यहाँ पे हम चढ़ा दिए हैं दूध, पहले चढ़ा दिए हैं, देख सकते हैं लाइट नहीं है, घर पूरा अंधेरा लग रहा है, और दूध वहाँ पे चूल्हा पे चढ़ा दिए हैं और चावल का जो है पानी ला के रख दिया है यहाँ पे। और अभी दाल उल सब्जी उब्जी जो भी बनाएंगे आप लोग को दिखाएंगे, देख सकते हैं घर बहुत अंधेरे लग रहे हैं अभी, और अभी जा रहे हैं चूल्हा नेसने के लिए, क्योंकि पहले दूध ऑफ लेते हैं, दूध में तो फट जाएंगे, सुबह सवेरे लाए नहीं होते। तो सो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और बने रहिए। दोस्तों अभी चूल्हे नहीं धनक रहे थे बहुत, 3 काठी जला चुके हैं और अभी देखिए धनका है चूल्हे, और खाना बनाने में भी मन नहीं लग रहा, आज क्या करेंगे दोस्तों, आखिर फिर पेट है तो खाना है तो खाना ही पड़ेगा ना, बहुत गैस हट गया और बहुत दिक्कत है आज, बारिश भी हो रहे हैं और चूल्हे जब धकते हैं तो मेरे आते नहीं है जल्दी, और जब आते हैं तो धधकते हैं नहीं, जल्दी धधकते ना, जलते नहीं है, जब बुझ जाता है तो। हम लोग का देहाती भाषा है, धधकते, मिहाना, बुझाना, हर एक चीज है। वीडियो देखने वाले अपने फैंस लोग जो बहुत है ना, तो अपने भाषा थोड़ी समझते हैं, तो तब देखिए आप जान गए। अभी जल गया नाग, आप आइए से ले जाए, फिर मिहा जाएगा फिर बुझा जाएंगे तुरंत। क्या बताएंगे दोस्तों, मजबूरी पे जो है ना, अभी विश्वास, क्या बताएंगे दोस्तों, मजबूरी पे जो है ना, अभी विश्वास नहीं करेंगे दोस्तों, कितना टाइम हो गया, 10 बज, हाँ 12, अभी 12 बजा है, लेकिन दिन जो है ना सिर्फ लग रहा है सुबह हुआ है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि सुबह हुआ है। देखिए हम सुबह में जो दिखाए थे कि ये सब जो है ना सिर्फ ऐसे नहीं पे छोड़ दिए थे, और इधर भी जो है ना ऐसे था, खाना उना आज बनाना है, आज सिर्फ उधर भाभी जो बना के दी ना, पापा सब खाए, हम लोग सिर्फ अभी भूखे हैं ना, सत्तू पिए थोड़ा सा, तो उससे क्या होता है, सत्तू से कुछ होता है, थोड़ा देर के लिए होता है ना, तब कोई बात नहीं, बना लो जल्दी है ना, हम तब तक जो दोस्तों देखिए उधर गाड़ी है ना निकाले हैं, उसको धो देते हैं, बहुत ज्यादा गंदा हो चुका है, देखिए ठीक है धो ले, सो बने रहे आप लोग दोस्तों। देखिए दोस्तों अभी जो दूध ऑन के रख दिया यहाँ पे और चावल भी चढ़ा दिए हैं, अब पानी गर्म हो रहे हैं, तब तक अदहन हो गया तो चावल ला के देंगे, अब जा रहे हैं दाल का पानी लाने के लिए और सब्जी सब काट के रखेंगे, तब तक मैं जब तक मैं चावल होंगे तब तक मैं काट उठ के रख लेते हैं, इसके बाद फिर बनाएंगे तो आप लोग को जरूर दिखाएंगे, बने रहिए आप लोग।
दोस्तों अब हम सब्जी सब ला लिए हैं और झींगा है, आलू, बैंगन, करेला पापा के लिए होंगे, झींगा करेला, और अभी बनाने काटेंगे सब्जी। और इसको देखिए, फिर चावल बना के रख दिए हैं और दाल भी चढ़ा दी, इसमें दाल भी दे दी है और सब्जी काट लिए हैं, करेला, आलू और झींगा अभी तक नहीं सोए हैं तो अभी छील रहे हैं, बने रहिए आप लोग। अभी यहाँ पे दाल हो चुके हैं और दाल को घाट के पानी यहाँ पे पसा के रखे, इसमें भी दाल भी घाट लिए और सब्जी सब भी धो के ला लिए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। और अब इसको रख देंगे, सब्जी बनाएंगे पहले करेला का भुजिया, इसके बाद दाल को छोकेंगे। सो आप लोग लास्ट तक बने रहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे करेला का भुजिया चढ़ा दिए और दाल घाट के वहाँ पे रख दिए, देख सकते हैं। और अभी झींगा डाले का करेंगे, झींगा इसको करने के लायक काटते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें तेल फोरन देके बना रहे हैं, इसमें कुछ भी नहीं दिया, अभी नमक देके थोड़ा सा देते हैं सीजने के लिए। सो आप लोग बने रहिए लास्ट तक। तो देखिए यहाँ पे अभी करेला नहीं हुआ, देख सकते हैं, नमक देके अभी सीजने दिए हैं और झींगा मसाला भर लिए हैं, देखिए। और अभी जो इसको तरेंगे आप लोग को दिखाएंगे। दोस्तों अभी करेला का भुजिया बन चुका है, बना लिए, इसमें सारा चीज दे दिया। अब इसको निकाल के यहाँ पे देख सकते हैं, आटा भी ला के सान लिए हैं, आटा साने पूरी तरह से नहीं है, जब तक मैं सान दे तब तक मैं इधर बन गया था करेला का भुजिया। देखिए करेला का भुजिया रख दिए हैं और झींगा में भी मसाला कर दिए, तो अभी झींगा इस तरेंगे तेल है भुजिया में। हम लोग की तरफ इसको लोहिया बोलते हैं और यूपी की तरफ क्या बोलते हैं पता? कढ़ाई। कढ़ाई, सो कमेंट करके बताइएगा जो यूपी के आदमी से देखते होंगे। तो देखिए झींगा हम इस तरफ तार गए हैं और पता नहीं और आदमी सब कैसे करते हैं। किस तरह तर रही है? इस बीच में फाड़ दिए हैं, मसाला दे दिए हैं, इसको डाल देंगे अपना, बस। तो कोई भी कर लेगा, बहुत आसान है, बने रहे आप। दोस्तों अभी हम झींगा तार लिए, इसमें भी निकाल के रख दिए, देख सकते हैं। और अभी जा रहे हैं कि बैंगन आलू का भुजिया बनाएंगे, कटा हुआ है, और आटा भी अच्छे से सान लिए, देख सकते हैं। अब आलू बैंगन का भुजिया बना के रोटी बनाएंगे, सो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। और क्या क्या सब करेंगे सर, हर एक चीज आप लोग को ब्लॉग में के माध्यम से आज दिखाएंगे, सो बने रहिए आप लोग। देखिए दोस्तों अभी सब्जी भी बन चुका है और सब्जी में सारा चीज दे चुके हैं, देख सकते हैं। और मिर्चा का गोंदी, धनिया का गोंदी, और देखिए अभी बन चुका है सब्जी, सिर्फ अब दाल छोकने के लिए बचा है और रोटी पकाने के लिए वहाँ पे, और बाद बाकी सब चीज हो गए हैं, चावल सब्जी वब्जी भी देख सकते हैं। अभी दाल छोकेंगे तो फिर आप लोग को दिखाते हैं, सब्जी भी बन चुका है, देखिए दोस्तों अभी यहाँ पे सब्जी बन चुका है और अभी हम दाल छौंक रहे हैं, देख सकते हैं। अभी जो है हम दाल छौंकेंगे, यहाँ पे सब्जी बन चुका है, इसमें अभी फोरन दे चुके हैं और सब्जी भी निकाल लिए, तो अभी दाल छौंकेंगे इसमें, देखिए अभी हम दाल छौंक चुके हैं। अब इसको दाल को निकालेंगे, इसके बाद रोटी पकाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम रोटी भी बना चुके हैं और सब्जी वब्जी सारा चीज हो चुका है, देख सकते हैं अभी आप लोग। और जा रहे हैं बर्तन धोने के लिए, बचा थोड़ा सा बर्तन वर्तन धो लेते हैं, फिर नहाएंगे, तो फिर अभी आप लोग को दिखाते हैं, सो बने रहिए ब्लॉग में आप लोग। दोस्तों देखिए वो नहा के आ गए और उसको खाना भी दे दिए हैं, बाबू खा रहे हैं। अभी बर्तन सब देंगे कल पे और धो के, इसके बाद नहाएंगे, इसके बाद खाना उना